हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 15th सेंचुरी बैलेड। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 15th सेंचुरी पोइट्री की थी, ठीक है, और उसी का पार्ट है हमारा बैलेड। 15th सेंचुरी पोइट्री का ही पार्ट है हमारा 15th सेंचुरी बैलेड, ठीक है। चलो क्लास डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बैलेड क्या होता है। व्हाट इज बैलेड? बैलेड, द वर्ड बैलेड इज ए फ्रेंच ओरिजिन, ठीक है। मतलब बैलेट कहाँ से आया है इसका? ये फ्रेंच से आया। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? फ्रेंच से, ठीक है। बैलेट कम्स फ्रॉम फ्रेंच टर्म, और कौन सी टर्म्स हैं वो? जैसन बैलेडी, ठीक है। इसका फ्रेंच ओरिजिन है, और कहाँ, किस टर्म से बैलेट निकल के आया? जैसन बैलेडी, विच मीन्स डांसिंग सॉन्ग्स, ठीक है। डांसिंग सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स है यहाँ पे, ठीक है। अ बैलेट इज ए नरेटिव पोइम दैट ओरिजिनली वाज सेट टू म्यूजिक, ठीक है, ये गाए जाते हैं। इट हैज फर्स्ट क्रिएटेड इन मेडिवल फ्रेंच, जो ओल्ड मेडिवल टाइम पीरियड हमने किया था ना, उस टाइम पे बोल रहे हैं। जो ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है? फ्रेंच में है, और मेडिवल फ्रेंच में है, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड अनऑफिशियल पोइट्री। अनऑफिशियल पोइट्री क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज दे वर ट्रांसमिटेड ओरली, ठीक है। वो जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, और इनका कोई भी अनऑथरशिप होती है, मतलब इनका कुछ ऐसा नहीं होता, ये ओरली ट्रांसमिट होते हैं। ये मतलब किस अथर की है, किस राइटर ने लिखे हुए हैं, ठीक है। बैलेड आर नैरेटिव पीस ऑफ फोक सॉन्ग, वो लाइक फोक सॉन्ग होते हैं, विच ओरिजिनेटेड अमंग द मोस्टली इलिटरेट पीपल, ठीक है। इलिटरेट पीपल में ओरिजिनेट हुए हैं ये, और फोक सॉन्ग, लेकिन अभी नहीं बोल सकते ना इलिटरेट पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ओरिजिन है कहाँ से है? फ्रेंच से है। फ्रेंच में भी कहाँ? जैसन बैलेड है, और उसका मतलब डांसिंग सॉन्ग है, और दे आर सेट टू म्यूजिक। द पॉपुलर बैलेड इज ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक होते हैं, कंडेंस और इम्पर्सनल, ये इम्पर्सनल होते हैं। हमारे इलिजी क्या है? वो पर्सनल डेथ को उस पर वीप करते हैं ना, उसके ऊपर क्राई करते हैं, ठीक है, पर्सनल डेथ के बारे में। और ये क्या है? इम्पर्सनल है। वो फॉर्मल होती है एलिजी, ये इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। द नैरेटिव टेल्स अ स्टोरी इन एक्शन, ये एक्शन और डायलॉग में बात करते हैं, ठीक है। बैलेड स्टेंजा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका स्टेंजा कैसा होता है बैलेड का? यहाँ पे बैलेड है, बैलेड का स्टेंजा क्या होता है? ये क्वार्टरेन में होते हैं। क्वार्टरेन मीन्स इनका स्टेंजा, क्वार्टरेन, जो स्टेंजा होता है बैलेड का, उसको क्वार्टरेन बोलते हैं। और क्वार्टरेन क्या होता है? फोर लाइन स्टेंजा को क्वार्टरेन बोलते हैं, जहाँ पे एक स्टेंजा में चार लाइन होती हैं, और उसमें जो अल्टरनेट लाइन होती है ना, वो राइमिंग होती है। लाइक पहली जो लाइन होती है सेकंड से राइम करती है, और जो थर्ड जो नहीं पहली जो होती है सॉरी जो पहली लाइन होती है वो थर्ड से राइम बनाती है, और जो सेकंड होती है वो फोर्थ से। कैसे? और इसका राइम स्कीम क्या होती है? ए बी, ठीक है, ये राइम स्कीम होती है। चलिए, कलेक्शन ऑफ बैलेड अभी देख लेते हैं, जो हमारे लिटरेचर में जो मेन मेन कलेक्शंस हैं। सबसे पहली कलेक्शन थी हमारी, एक मिनट, सबसे पहली जो हमारी कलेक्शन आई है वो थी हमारी बिशप, जो बिशप होते हैं ये थॉमस पर्सी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थॉमस पर्सी की सबसे पहली जो कलेक्शन ऑफ बैलेड थी उसको बोला गया है रैलिंग ऑफ एंशियंट पोइट्री, पब्लिश्ड इन 1765, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ बैलेड इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। पर्सीज रैलिंग ऑफ एंशियंट पोइट्री, जो कि पहली कलेक्शन थी बैलेड की इन इंग्लिश लिटरेचर, इट इज पब्लिश इन 1765, इंपॉर्टेंट इसका पब्लिकेशन भी। दूसरा मेजर कलेक्शन है हमारी बैलेड की कौन सी है? सर वाल्टर स्कॉट बॉर्डर मिनिस्ट्रेले, ठीक है। और थर्ड है हमारी, ये रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं, ये रोमांटिक पीरियड में आती है, ये 70 जो पहली थी पर्सी की वो 1765 में आती है, सर वाल्टर स्कॉट की रोमांटिक पीरियड में आती है। और 19th सेंचुरी में हमारे आते हैं प्रोफेसर चाइल्ड ऑफ हार्वर्ड, ठीक है, उनका कलेक्शन है इंग्लिश स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड, ए लार्जर कलेक्शन, ठीक है। चाइल्ड, प्रोफेसर चाइल्ड ऑफ हार्वर्ड की जो कलेक्शन है इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड हमारे, अभी वो तो हमने कलेक्शन देखी है, मतलब ओल्ड टाइम पीरियड की, रोमांटिक पीरियड की और 19th सेंचुरी की। अभी जो पॉपुलर जो बैलेड है 15th सेंचुरी में उसको देख लेते हैं, अभी 15th सेंचुरी की बात चल रही है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा आता है रॉबिन हुड, ये बैलेड के नेम है सभी, ठीक है। रॉबिन हुड एंड कर्टेल फेयर,
ठीक है, ये क्या स्टोरी चलती है, दे एंगेज्ड इन ए गुड डील ऑफ हॉर्स प्ले, ठीक है, देन दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर। रॉबिन हुड, ये एक हॉर्स प्ले चल रहा होता है, वो उसमें कुछ ये डील वगैरह चल रही होती है इनकी। रॉबिन हुड क्या करते हैं, अचानक से ये लड़ने लगते हैं, ठीक है, और फिर रॉबिन हुड क्या करते हैं, ही ब्लोज 3 ब्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट इसको अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ मैं। रॉबिन हुड क्या करते हैं, ही ब्लोज 3 ब्लास्ट ऑन हिज हॉर्न, वो अपने शंख से 3 आवाजें करते हैं, मतलब शंख बजाते हैं, और क्या होता है, एट विच 50 ऑफ हिज सोल्जर अपियर्स, जैसे ही वो शंख बजाते हैं और उसमें कितने ब्लास्ट करते हैं, 3, तो उसके 50 सोल्जर आ जाते हैं अचानक से। यही स्टोरी है बस, क्या है, ये दोनों जो करेक्टर हैं इनको याद रख कर लेना, और बस इतना ही है इसमें से, बस नाम याद कर लेना, ये बैलेड है, इतना ही पूछा जाता है, स्टोरी नहीं पूछी जाती, बैलेड है। रॉबिन हुड और कर्टेल फ्रायर क्या है, बैलेड है। चेवी चेस नेक्स्ट है हमारा, चेवी चेस, इसका मतलब क्या है, चेवी चेस का, चेस और हंटिंग इन चेवियोट, चेस और हंटिंग इन, चेस क्या होता है, पीछा करना, चेस और हंटिंग इन चेवियोट, चेवियोट ये क्या है, ये यहाँ पे हिल, चेवियोट हिल में हंटिंग, ठीक है। ए लिटिल एपिक, इट इज ए टाइप ऑफ लिटिल एपिक, डील्स विद फाइट बिटवीन पर्सी ऑफ नदम, एक मिनट, ये एक फाइट, यहाँ पे भी फाइट दिखा रखी है, किसकी फाइट है, पर्सी, अभी अभी डिस्कस किया ना हमने, थॉमस पर्सी, जिसकी फर्स्ट कलेक्शन थी, जो भी सब थे, पर्सी ऑफ नदम्बरलैंड और डगलस, जो गैविन डगलस हमारे कौन थे, ये वो स्कॉटिश जोसरियन थे, लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया है, जो पर्सी है और डगलस, डगलस ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के थे ना वो, उनके बीच में फाइट चल रही है, और क्या होता है, डगलस स्लेंड, डगलस मारा जाता है पर्सी, और फिर वो जो पर्सी है हमारा, बीसा पर्सी है, वो रोता है उसकी डेड बॉडी को देख के, और बताता है मेरा सबसे अच्छा एनिमी, ठीक है, उसको एडमायर करता है, वो मारा गया, ठीक है, ये इसकी स्टोरी है, टाइटल याद रखना, और ये इनका पर्सी और डगलस का नाम याद रखना, और इसका मीनिंग क्या है, चेवी चेज का, और ये एक बैलेड है। थर्ड है हमारा, नहीं, जो फिलिप सिडनी होते हैं ना, जो उसमें एक कमेंट करते हैं अपनी एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इनका एक वर्क है, उसमें क्या बोलते हैं इस चेवी चेज के बारे में, आई हैव हियर्ड द ओल्ड सॉन्ग ऑफ पर्सी, आई नेवर हैड हियर्ड द ओल्ड सॉन्ग ऑफ पर्सी एंड डगलस, दैट आई फाउंड नॉट माई हार्ट मोर मूव्ड देन विद ए ट्रम्पेट, ठीक है, ये कोटेशन याद कर लेना, वो बोलता है मैंने पर्सी और डगलस को गाते हुए नहीं सुना, लेकिन ये ज़्यादा मेरे को, मुझे ज़्यादा फील हुई ये चीज़ें इस टाइप से, लेकिन क्या याद है, ये कोटेशन याद कर लेना। ये 4 इंपॉर्टेंट बैलेड्स हैं, वो उसके टाइटल और उनका थोड़ा मीनिंग क्या है, क्या चल रही है स्टोरी, ये याद। हमारी थर्ड आती है नट ब्राउन मेड, नट ब्राउन मेड में क्या स्टोरी चल रही है, जो ये मेड होती है ना, सी वॉज टेस्टी लाइक ग्रिसेल्डा, एक ग्रिसेल्डा किसी उसमें चौसर की कैंटरबरी टेल्स में आता है ये करेक्टर, ठीक है, उसका नाम बताओ, ग्रिसेल्डा कहाँ पे आता है कैंटरबरी टेल्स में, किसकी स्टोरी में आता है, ठीक है, क्लर्क की है या फिर मंक की है या नन की है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नन ब्राउन मेड एक मेड होती है, वो उसका एक लवर है, वो लवर इसको टेस्ट करता है, वो बोलता है आके इसको मैंने किसी को मार दिया है और मुझे जाना पड़ेगा, और वो बोलता है मेरी एक मिस्ट्रेस भी है, ठीक है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी उससे प्यार करती है, तो बाद में बताता है वो मैं एक अर्ल का बेटा हूँ और तुम्हें काउंटेस बनाना चाहता हूँ, मतलब ये अपनी परीक्षा में सफल हो जाती है, इसकी जो टेस्ट किया जाता टेस्ट, सी वॉज टेस्टेड बाय एक हर लवर एंड सी सक्सेसफुल इन हिज इन हर टेस्ट, ठीक है। नट ब्राउन मेड क्या है, एक बैलेड है, बात खत्म, थोड़ा स्टोरी याद रख लेना। सर पैट्रिक स्पेंस, सर पैट्रिक स्पेंस ये भी एक बैलेड है, बैलेड की बात चल रही है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें क्या स्टोरी चलती है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है वो सर पैट्रिक स्पेन, यहाँ पे एक सेलर है जो सिप को सेल करते हैं, ठीक है, सिप चलाते हैं, वो एक सेलर हैं, उनको किंग ऑफ स्कॉटलैंड बोलते हैं, टू ब्रिंग होम मेड, MAID है ये मेड, यहाँ पे ये वाली मेड है MAID, मेड ऑफ नॉर्वे, मेड ऑफ नॉर्वे को घर लेके आओ, और जैसे ही ये ट्रैवल करते हैं आते टाइम इनका सिप डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। पैट्रिक स्पेंस, सर पैट्रिक स्पेंस क्या है, एक बैलेड है, ठीक है, और ये क्या स्टोरी है, इसको याद रख लेना। चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू।